नमस्कार टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस एनवी टॉरस से। तो आज टॉरस यानी वृषभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और अगर नाम राशि से चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। जिससे भी आपके साथ सही जाती है उसके साथ आप देख सकते हैं। और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस, जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ? जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, ये रिश्ता न्यायप्रिय होना चाहिए। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है तो दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानियाँ ख़त्म होंगी और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और यूनिवर्स जो भाग्य जो लक उनका साथ देने आ रहा है, जो लक्की पीरियड उनका आ रहा है, अगर समय रहते एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी बेईमानी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी चालबाजी के, उस लत से, उस एडिक्शन से बाहर आते हुए एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, सही समय का सदुपयोग करते हैं, उसे यूटिलाइज़ करते हैं और उस पर अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, जस्टिस और न्याय इस रिश्ते में आ सकता है। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस होना चाहिए, न्याय होने चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं आप क्या फील करते हैं, टॉरस आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ? द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वंड्स। तो आप टॉरस, आपको लग रहा है, आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, बिना किसी हेराफेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, क्योंकि बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी के किसी एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए और उन्हें एक दूसरे को माफ़ करते हुए, भले ही चाहे सामने वाला माफ़ भी ना करे, लेकिन दिल से उन्हें माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और यूनिवर्स भी उन्हें उनका साथ दे सकता है इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने में। और इस रिश्ते में जो बेचैनी, जो बेकरारी है, जो लगातार उनका वेट और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब उनके पर्सन आगे बढ़ेंगे, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब खुशहाली आएगी, कब गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा, कब चीज़ें सही होंगी, तो वो भी इंतज़ार ख़त्म होगा। हो सकता है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों तरफ से ही इंतज़ार हो रहा है कि जब भी कोई फ़ोन कॉल, मैसेज आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, कान से लगाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, फिर से वही नेगेटिविटी। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप इस रिश्ते में एक स्टैंड लेना चाहते हैं, ताकि जो ही इस जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। तो आपने डिसाइड किया, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर रुक आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए, भले ही चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, थोड़ा सा वाद विवाद क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप अभी स्टैंड लेंगे तो जो ये परेशानी है, जो ये रुका हुआ रिश्ता है, वो आगे बढ़ सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और जो आपकी दिली तमन्ना है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी पूरी होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आप फील कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के साथ ऐसा कर लेते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है और आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। टॉरस के पर्सन अगले 72 आवर्स में टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ कप्स।
टॉरस जो आपके पर्सन है वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहा है, जो कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, आना और जाना लगा है, रिलेशन बनाया ख़त्म किया, तो इस तरह की जो पोजीशन रही है आप उसके लिए प्रिपेयर रेडी तैयार होना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कमिटमेंट वगैरह होगी तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, काफ़ी दोनों एक दूसरे के साथ इमोशंस फील करते हैं, भले ही जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रेडी होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह की जाती हैं, सोच विचार करके आगे बढ़ा जाता है, शादी के लिए तैयार हुआ जाता है, तो ये रिश्ता फिर से आगे जाकर उनके लिए सोलमेट बन सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं जो, और ये जो रिश्ता जो पेयर है एक दूसरे के लिए हो सकता है। तो इस पर आप यही एक्शन चाहते हैं, यही काम करना चाहते हैं कि ये रिश्ता एक हो और ये रिश्ता सोलमेट बने और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिले, और जो क्योंकि दोनों तरफ से ही जुड़ा हुआ अटैचमेंट आप अभी भी फील कर रहे हैं, भले ही आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्शन लेंगे, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके सोलमेट हो सकता है। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। आप ये भी चाहते हैं कि जो पर्सन जो जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनने की ज़रूरत है, प्यार से प्रेम से उनके साथ पेश आने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नरम है, जिन चीज़ों पर गुस्सा आना चाहिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनना चाहिए, तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मजबूती के साथ आगे पेश आना चाहिए, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, और रिश्ता जो है आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट बन सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। तो इसमें गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स अकेडमी प्लीज टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इन एंड आउट की स्थिति है इस रिश्ते में, कोई भी इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको, और हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन आप फंसे हुए हैं, आप भ्रम जाल में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दो कदम पीछे हटिए और एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, भले ही अंधविश्वास ना कीजिए, जब तक आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं करेंगे, जो ट्रस्ट और उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए उस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम बन रहा है, तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए और उस पर फोकस कीजिए, उन जिम्मेदारियों को समझिए जो आपको के लिए ज़रूरी है, और इस रिश्ते को बर्डन ना समझते हुए इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परिवार और फैमिली के साथ वन बाई वन करके, स्टेप एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाइए, या फिर अगर परिवार और फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे तो वन बाई वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके इन जिम्मेदारियों को उठाइए, ताकि जो रिश्ता आपको बर्डन लग रहा है, जो रिश्ता बोझ लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पा रहे हैं, वो आप आसानी से उठा सकें, और फिजिकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब ना हों, क्योंकि अगर एक साथ ही इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे तो ये रिश्ता आपके लिए बोझ बनेगा, और फिजिकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए, जो आप किसी पर भी बिलीव भरोसा नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड कीजिए अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके, यानी कि जो रिश्ता आपको बर्डन और बोझ लग रहा है
वही रिश्ता आपके लिए इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा और आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन अभी आपको एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना है, सोचना विचारना है और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना है और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को परिवार और फैमिली के साथ शेयर करना है या तो एक एक करके उठाना है, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, अभी कंफ्यूजन में हैं आप, दुविधा में हैं, स्ट्रेस में हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।